सबसे पहले के ट्रस्टी जनाब जहीर अब्बास साहब मौजूद, उनकी खिदमात 34 साल से की जा रही है। पहले तो मैं अपनी इस बात को वजाहत से पेश करूं कि आज का जो जश्न है वो तीन वजहों से है, लेकिन सबसे पहली वजह जो है वो जश्न विलादत आखिरी जमान है। इसी मौके पर हमने ये भी मुनासिब समझा कि ज़ैनबिया चैनल जो 10 साल पहले शुरू किया गया था वो कामयाबी से दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं। उलमा और ज़ाकरीन का कभी मुझसे इत्तेफाक होता था बातचीत करने का, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं तो उन मुल्कों में मौजूद नहीं था कि खास तौर से मुहर्रम में अमेरिका और यूके और दूसरी जैसी जगहों पर उनके इमामबाड़ों में चैनल लगाए, टीवी लगाया जाता था जिसपे ज़ैनबिया की मजलिसें 24 घंटे आती थी। इससे ज्यादा सवाब के लिए हम काम नहीं कर सकते। अब न्यूज में भी उतर रहे हैं आप लोग, क्या कारण है, किस तरह का अनुभव रहा आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस इनॉग्रल प्रोग्राम को इम्पोर्टेंस दी और अपना कीमती वक्त देके यहाँ पर हमारी बातें सुनी और उसको जो है फिर आप बयान करेंगे। ज़ैनबिया चैनल को 10 साल हो गए और 10 साल से कामयाबी से 24 घंटे ये चैनल जो है रिलीजियस प्रोग्राम्स रिले कर रहा है। इसमें पॉलिटिकल, सोशल, स्पोर्ट्स या दूसरे एलिमेंट्स वो इन्वॉल्व नहीं थे। इसके पहले भी हम लोगों ने ये न्यूज़ चैनल कुछ सालों के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन वो प्योरली रिलीजियस था, जो जिसके अंदर वर्ल्ड के मुस्लिम कंट्रीज़ उन वहाँ पर क्या क्या हालात हैं ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए, उनके लिए न्यूज़ वो दी बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद में वो सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया गया, इसलिए कि उसके जो TRP थी उसकी लिमिटेशंस थे। लेकिन ज़ैनबिया चैनल की TRP अभी 56 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई है, जिसमें YouTube भी कवर्ड है पूरा, और YouTube के ज़रिए और सैटेलाइट के ज़रिए ज़ैनबिया चैनल से आप हर मुल्क के अंदर जो है ये चैनल को देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं। अब हमने ये भी रियलाइज़ किया कि ये चैनल जब कामयाबी से रिलीजियस प्रोग्राम्स और दूसरे प्रोग्राम्स जो है वर्ल्ड में रिले कर सकता है और इसकी TRP 56 लाख के ऊपर है, तो इसका हम और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको और ब्रॉड बेस करने के लिए न सिर्फ ये कि रिलीजियस प्रोग्राम इससे रिले होगा वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम्स का और एंड नॉन मुस्लिम्स का, रिलीजियस प्रोग्राम मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स का सबका होगा, और साथ ही साथ जो है पॉलिटिकल इवेंट जो हैं वर्ल्ड के वो भी बताए जाएंगे, स्पोर्ट्स इवेंट जो हैं वो भी वर्ल्ड के बताए जाएंगे, ताकि हम लोग इस चीज़ को जो है काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकें। इसकी पॉपुलैरिटी ज़ैनबिया चैनल की और एक्सेप्टेंस जो आवाम की जो थी उससे हमको ये इनक्रेजमेंट मिला कि हम इसको
और इसका जो दायरा है वो और जो है हम वसी करें, बुलंद करें और लोगों तक जो है हम और खिदमत इसकी कर सकें, इसलिए हम लोगों ने इस चैनल के अंदर जो है न्यूज़ पोर्टल भी शुरू किया है और हमारा वेबसाइट भी है और इसको जो है रोज़ रात में 9 बजे 1 घंटा वर्ल्ड न्यूज़ दी जाएगी और दोपहर में 2 बजे भी 1 घंटा इसके ऊपर सारे प्रोग्राम्स कवर किए जाएंगे।